तो दोस्तों, अनेकता में एकता है इस देश की शान, इसीलिए है मेरा भारत देश महान। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और आज आप लोगों के लिए एक बड़े सवाल का जवाब लेकर आया हूं। बड़ा सवाल ये है कि क्यों हम लोग हमारे स्वतंत्रता दिवस को, हमारे इंडिपेंडेंस डे को अगस्त 15 को बनाते हैं। वो तारीख थी अगस्त 15, 1947, जब हम लोग आज़ाद हुए थे। और ये सवाल सबके मन में आता है कि क्यों हम लोग हमारे स्वतंत्रता दिवस को अगस्त 15 को बनाते हैं। आज उस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। ये बात है 1929 की, जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने उस समय नारा दिया पूर्ण स्वराज का, टोटल इंडिपेंडेंस का नारा दिया कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। उस समय पर जनवरी 26 इंडिपेंडेंस डे के रूप में चुना गया था। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी 1930 के बाद से ही इंडिपेंडेंस डे को जनवरी 26 को सेलिब्रेट करना चालू हो गई थी। जनवरी 26, 1950 को हम लोगों ने रिपब्लिक डे के रूप में चुना, वो दिन जिस दिन भारत फॉर्मली एक सोवेरियन कंट्री बना। क्योंकि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हम लोग ऐसा ब्रिटिश डोमिनियन आज़ाद हुए थे। जब जनवरी 26, 1950, जिसको हम लोग इतने सालों से इंडिपेंडेंस डे के रूप में बना रहे थे अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्यों यहां पर एक नया दिन आ गया, अगस्त 15 क्यों आ गया? वेल, इसका जवाब हम लोगों को हमारे यहां पर हिस्ट्री के पन्नों में खोजने को मिलता है लॉर्ड माउंट बैटन के बारे में पढ़ने के बाद। लॉर्ड माउंट बैटन, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी और मैंडेट दिया था कि आप यहां पर ट्रांसफर करोगे पावर को फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द न्यू गवर्नमेंट बाय जून 30, 1948। सी राजा गोपालाचारी जी के उन मेमोरियल वर्ड्स को हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। उन्होंने बोला था कि अगर जून 30, 1948 तक अगर हम लोग वेट करते हैं तो असलियत में इंडिया के पास कोई भी पावर नहीं बचेगी, कोई भी पावर ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। इस वजह से माउंट बैटन ने अगस्त 1947 में यहाँ पर जो डेट है उसको एडवांस कर दिया। जो आज़ादी की तारीख थी उसको यहाँ पर लगभग एक साल पहले खींच लिया। उस समय पर माउंट बैटन क्लेम्ड दैट उन्होंने इस डेट को एडवांस करके एक बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि डेट को एडवांस करने की वजह से कोई भी खून खराबा, कोई भी ब्लड शेड नहीं होगा और ना ही कोई रायट होगा। ऑल्दो जब भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय पर माउंट बैटन के इस दावे को भी गलत पाया गया, क्योंकि हमें पता है कि कितना ज़्यादा ब्लडशेड, कितना ज़्यादा रायट उस समय पर हुआ था। इससे ये चीज़ प्रूफ हुई कि अगर यहाँ पर कॉलोनियल रूल एंड होता है तो ब्लडशेड या रायट तो यहाँ पर होगा ही, वो प्राइस, वो कीमत हम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो, ये वो पिक्चर है जो यहाँ पर आज़ादी की पिक्चर को हमारे सामने बयां करती है। बेस्ड ऑन माउंट बैटन्स इनपुट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जुलाई 4, 1947 को, और उसको विद इन फॉर्टनाइट पास भी करवा लिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर यह बात थी कि ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर खत्म किया जाएगा ऑन अगस्त 15, 1947। और ब्रिटिश रूल को ख़त्म करके दो डोमिनियन बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान, विच वर अलाउड टू ससीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। माउंटबेटन उसके बाद एक बड़ा क्लेम करते हैं, जो फ्रीडम वाली रात थी, 14th ऑफ अगस्त और 15th ऑफ अगस्त के बीच की जो रात थी, उस दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने इस दिन को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को मास्टर ऑफ द होल इवेंट के रूप में सबके सामने पेश करना चाहते थे। व्हेन दे आस्क्ड हैड वी सेट अ डेट
I knew it had to be soon. I had not worked it out exactly then, but उसके बाद वो भी कन्फ्यूज थे कि अगस्त में हो या सितंबर में हो, और फिर एक डेट सामने आई, दैट इज 15th of August. बट वाई 15 अगस्त ही क्यों सामने आई? बिकॉज इट वॉज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान्स सरेंडर. यहां पर बात हुई वर्ल्ड वॉर टू के बारे में. यह बात है आजादी से 2 साल पहले August 15, 1945 की. जैपनीज एम्परर हिरोहितो ने यहां पर एक रिकॉर्डेड रेडियो एड्रेस दिया जिसको अक्सर ज्वेल वॉइस ब्रॉडकास्ट के नाम से जानते हैं. इस रेडियो एड्रेस के अंदर उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया कि जापान यहां पर सरेंडर करता है टू द अलाइज. माउंटबेटन रिमेंबर्ड हियरिंग द न्यूज ऑफ जापानीज सरेंडर, और उस समय वो यहां पर चर्चिल के कमरे में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे. एंड एज द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कमांड साइन द फॉर्मल जापानीज सरेंडर ऑफ सिंगापुर ऑन September 4, 1945. तो एक तरीके से जापान के ऊपर जो एक विजय थी, जो जापान ने अपने आप को सरेंडर किया था ऑन August 15, 1945, उस चीज को ध्यान में रखते हुए August 15 ही इंडिया के आजादी की तारीख के रूप में चुना गया. अब यहां पर जब हमने इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, तो एक और सवाल अक्सर आप लोग भी पूछते हो कि पाकिस्तान क्यों अगस्त 14 को आजाद हो गया. बट हाउ डिड पाकिस्तान गेट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 14? एक्चुअली पाकिस्तान को आजादी अगस्त 14 को नहीं मिली. इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ने अगस्त 15 ही वो डेट डिसाइड की जो कि यहां पर दिन है इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की आजादी का. इवन यहां पर जो पहली स्टैंप इशू की गई पाकिस्तान द्वारा, उसमें भी लिखा हुआ है अगस्त 15 एज इट्स इंडिपेंडेंस डे. इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भी, जो एक्चुअली यहां पर पाकिस्तान की आजादी के बाद एक बड़ी स्टेटमेंट कही, उन्होंने भी बोला कि अगस्त 15 इज द बर्थडे ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट मार्क्स द फुलफिलमेंट ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम नेशन which made great sacrifice in the past few years to have its homeland. तो ये अगस्त 14 ये नई डेट क्यों यहाँ पर सामने आई? क्योंकि ये बात है 1948 की, पाकिस्तान ने अगस्त 14 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाना चालू कर दिया. इसके यहाँ पर दो अलग अलग कारण बताए जाते हैं. पहला कारण ये है कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर की सेरेमनी हो रही थी, वो सेरेमनी हो रही थी कराची के अंदर, और वो जो दिन था वो अगस्त 14, 1947 का था. तो जो सेरेमनी का दिन था वो अगस्त 14 का दिन था. और एक और बड़ा कारण है कि अगस्त 14, 1947 को 27th डे ऑफ रमदान था, जो कि यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही सैक्रेट डेट होती है. वट एवर बी द केस, 73 ईयर्स ऑन, इंडिया एंड पाकिस्तान सेलिब्रेट देयर हार्ड फॉट इंडिपेंडेंस विद पैट्रियोटिक फर्वर. और जो डेट है इन एनी केस होल्ड फॉर लेस सिग्निफिकेंस देन द मिशन टू डिलीवर द फ्रूट्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल इन द टू कंट्रीज. तो आज है 15th of August और हम लोग बना रहे हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस. आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. उम्मीद है आपको ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ ज्ञान दिया है, वो पसंद आया होगा. तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सवाल का जवाब पा सकें. लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.